अस्सलाम वालेकुम भाई लोग एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो यार आज मैं आपको वाकेंड में कुछ स्पोर्ट्स के मुतालिक गाइड करूंगा, क्योंकि हमारे वाकेंड में स्पोर्ट्स पे बहुत रुझान दिया जाता है और हमारे वाकेंड में कुछ बहुत वेल मेंटेन ग्राउंड्स हैं। तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हमारे वाकेंड में कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं। तो अभी मैंने अपने दोस्त को भी बुला लिया है, तो जैसे ही वो आता है तो फिर आपको लेके चलते हैं ग्राउंड्स दिखाने। हाँ तो जी, हम पहुँचे हैं इधर टेक्सला चौक में। इन भाई साहब के बाइक में हवा कम हो गई थी, तो अब टायरों में हवा भरवाने आए हैं। फिर यहाँ से चलते हैं ग्राउंड की तरफ। तो जी हम पहुँच गए हैं हमारे पहले ग्राउंड पे। वैसे कोई ग्राउंड नहीं है, ये मसलन जगह ही है हमारी कॉलोनी के सामने। वो सामने हमारी कॉलोनी है और ये रोड पार बिल्कुल, ये छोटी सी जगह खेलने के लिए। ये आप कह सकते हैं हमारा पहला होम ग्राउंड है ये। हम पहले यहीं खेलते होते थे, हमने फुटबॉल यहीं से शुरू की है। कभी कभी क्रिकेट भी यहाँ खेलते होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फुटबॉल भी खेलते हैं। हंसो ना देख के अच्छा तुम। और ये बिल्कुल, ये पूरी जगह अभी भी यहाँ बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता फुटबॉल खेलने का, तो यहाँ पर अब हम नहीं खेलते। हम जाते हैं अब किधर जाते हैं, हम छेर ये। वो सामने मशल डिग्री कॉलेज नज़र आ रहा है आपको, ये वो जगह है जहाँ पर हमारी बॉल चली जाए तो कभी वापस नहीं आती थी। ये फिर दो तीन बच्चों को टॉप के जाना पड़ता है और फिर बॉल लेके आनी पड़ती है, तब जाके बॉल आती है। वैसे इनके गार्ड इतने अच्छे नहीं है कि बॉल वापस कर दें, बस यही है कि यहाँ मसला है। बाकी जगह बहुत ज़बरदस्त है खेलने के लिए। और ये रही हमारी कॉम सेट्स वॉक एंड। एक हसरत है यहाँ पर भी जाना, इंशाल्लाह जाएंगे कभी। फिलहाल ग्राउंड चलते हैं। हाँ तो भाई लोग, हम इस टाइम पहुंच गए हैं छेरिया ग्राउंड। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये हमारा छेरिया ग्राउंड है और हम शाम को यहीं पर खेलने आते हैं। तो आपको भी इसके सीन्स चेक कराते हैं। ग्राउंड, ये आप ग्राउंड चेक कर सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है। वो सामने इसके स्टैंड्स बने हैं, तो पहले वहाँ पर जाके बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि बाकी सीन्स क्या हैं इसके। मैं और मेरा दोस्त ये साथ, हम लोग यहीं पर खेलने आते हैं फुटबॉल, और बड़ी ज़बरदस्त जगह है। हम लोग वैसे रात को आते हैं, यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी लगी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये। इस छेरिया की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं 17वें 18वें ग्रेड के, और यहाँ पर वीडियो बनाना सख्ती से मना है। तो मैं ये वीडियो फिर भी जान पे खेल के बना रहा हूँ। अगर मैं, अगर ये आपको व्लॉग मेरा मिल गया तो समझिएगा कि मैं ज़िंदा हूँ, और अगर ना मिल सका तो समझिएगा कि बस अल्लाह हाफिज़ है फिर मेरा। तो दुआ करें कि कुछ भी ना हो। हाँ तो भाई लोग, हम इस टाइम पहुँच गए अनवार चौक के ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। और ये इसके पीछे फुटबॉल ग्राउंड है, रुके आप। ये रहा अनवार चौक का ग्राउंड। ये भी बिल्कुल शेरी वाले ग्राउंड की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा है। अभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादातर यहाँ पर लोग स्पोर्ट्स शाम को ही खेलते हैं, क्योंकि दिन में तो सारे लोग फारिग नहीं होते, कोई स्कूल्स कॉलेजेस फैक्ट्री वगैरह गए होते हैं, तो शाम को यहाँ पर रश होता है, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। इन ग्राउंड्स की ख़ास बात ये है कि इन ग्राउंड्स को प्रॉपर एक एक कोच मिला हुआ वेलफेयर की तरफ से, तो जितने जिनमें से एक तो मेरा संगी भी है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं खेलने, अगर उनको कुछ नहीं खेलना आता तो फिर वो कोच उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और उनको फिर टीम्स में शामिल करते हैं, जिसकी वजह से वाकेंड में स्पोर्ट्स का रुझान काफ़ी अच्छा है। हमारी जो कंटोनमेंट है कैंट की, इसने स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी ध्यान दिया हुआ है और काफ़ी वेल मेंटेन ग्राउंड रखे हैं इन्होंने। आपको वाकेंड के हर एरिए में एक प्रॉपर वेल मेंटेन ग्राउंड मिलेगा, चाहे वो क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, कोई ना कोई एक आपको लाजमी मिलेगा। हाँ तो जी, हम लोग आ गए हैं वेलफेयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और ये पीछे इसका जिमनेजियम है। इस जगह पर आपको हर स्पोर्ट्स मिलेगा, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हर चीज़ का ग्राउंड है इधर, तो आपको सारे चेक करवाते हैं। ये यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। आपको कैमरे में शायद इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये 11 साइडेड मैच होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आम बंदों को खेलने भी नहीं देते हैं।
ये साहब साहब को ज़रा उंगल हुई है तो ये बच्चों की गेम ख़राब करने जा रहे हैं। फैक्ट्री के अपने मैचेस होते हैं 11 साइडेड, वो यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ पर वैसे आम बंदे इतना खेल नहीं सकते, कभी कभार खेल लेते हैं लेकिन ज़्यादा इनको इजाज़त नहीं होती यहाँ खेलने की। तो ये यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है। ये पीछे जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये इसका जिमनेजियम है और यहाँ पर आपको वॉलीबॉल का कोर्ट मिलता है और अंदर जिम है। यार क्या ज़बरदस्त जिम है इनका। मैंने भी एक दफ़ा अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने मुझे रखा नहीं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में से कोई फैक्ट्री वर्कर नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर प्रॉपर वॉलीबॉल कोर्ट है। यहाँ पर बाज़ दफ़ा कोई फॉरेन कंट्रीज़ भी आके उनके मैच होते हैं वॉलीबॉल के, तो यहाँ खेले जाते हैं। ये यहाँ का हॉकी कोर्ट है। ये जो दरमियान में आपको ये रोड नज़र आ रही है, ये बेसिकली रेस ट्रैक है, और वो दरमियान में जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है वो इसका हॉकी कोर्ट है। वैसे यहाँ पर आपको कोई कारपेट वगैरह इसका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वेलफेयर वालों ने तो यहाँ पर कारपेट डाला था, लेकिन वाकेंट की आवाम कोई ऐसी चीज़ है ना, यहाँ से कारपेट सारा पट के ले गई है और जाके अपने घरों में लगा लिया उन्होंने। तो बेसिकली अब इसका ये हाल आ गया। और यहाँ पर अब लोग क्रिकेट ही खेलते हैं और यहाँ कुछ खेल नहीं सकते। और वो सामने इसके स्टैंड्स हैं और ये प्रॉपर यहाँ पर एक ग्राउंड था लेकिन लोगों ने रहने नहीं दिया। ये वैसे बहुत प्यारा ग्राउंड था, मेरे बाबा भी यहाँ पर आके हॉकी खेलते थे, वेलफेयर की टीम में थे। तो बस अब ये हाल हो चुका है इसका। तो जी ये मेरे पीछे यहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट, और मुझे जो पूरे वेलफेयर में सबसे ज़्यादा पसंद जगह है वो यही कोर्ट है, क्योंकि इसकी हालत बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि बास्केटबॉल वाकेंट में कोई खेलता नहीं है। वैसे पीछे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये आप चेक करें जी, कैसा ज़बरदस्त कोर्ट है हमारा वाकेंट का। ये बास्केटबॉल कोर्ट है। ये लो यार तुम भी आ जाओ। ये हमारे राइडर भाई बैठे हैं। इधर एक बात है, जिसने इसको टच कर लिया ना वो चाट खाएगा और जिसने ना किया वो चाट खिलाएगा। मंजूर है? कोई मंजूर नहीं, तुम हमारा कद बढ़ा जाओ, कर लो टच। भाई मेरा कद भाई, मुझे कोई शौक नहीं है टच करने का, कर लो जाओ तो। वाह तालियां यार, कसम से लिब्रॉन जेम्स ऐसा कद होना चाहिए, बंदा डंक मारेगा। तोड़ दे इसको, नीचे ले आ। नहीं भाई। हाँ तो भाई लोग, ये रहा यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट। ये आप चेक करें, इस टाइम वैसे लाइट्स ऑफ हैं क्योंकि कोई खेल नहीं रहा, और रात को यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं खेलने के लिए, तो ये बहुत प्यारा लगता है। कभी हम रात को हमारे यहाँ चक्कर लगा तो आपको लाजमी दिखाएंगे ये साथ। यार वैसे इनको कह के यहाँ खेलें ना। हाँ ये भी है, बैडमिंटन देंगे नहीं अब हमें। हाँ जी ये था हमारा वेलफेयर क्लब, और आपको अब लेके चलते हैं नेक्स्ट ग्राउंड। भरवा लिया पेट्रोल? हाँ तो भाई लोग इस टाइम पहुँचे हैं 16 एरिया, और ये यहाँ का फुटसॉल ग्राउंड है। ये भी बहुत ज़बरदस्त था। जहाँ पर वो आगे बच्चे खेल रहे हैं वो यहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट है, और उससे आगे पार्क है। तो ये यहाँ का एक और खूबसूरत तरीन ग्राउंड है। तो हम ये पहुँच गए हैं शाहीन एफसी के ग्राउंड में। ये यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर कभी कभार क्रिकेट भी चलती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये अभी क्रिकेट का मैच हो रहा है हार्ड बॉल का। वैसे ये शाहीन एफसी हमारा क्लब है वाकंड का, उसका ग्राउंड है, और यहाँ भी हम खेलते रहे हैं काफ़ी दफ़ा। तो ये यहाँ का एक और ग्राउंड है। हाँ तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं चार खाने चॉइस कॉर्नर पे, और ये बंदा आप देख रहे हैं इसको लगी है फकी, क्योंकि ये शायद हार चुके हैं। तो अब हमें चाट खाने लाया तो हम अभी चाट खा लेते हैं। हाँ तो भाई लोग अभी हम आए हुए असलम मार्केट, और हम ये साथ की टिकटॉक बनाने आए थे कि साथ को घर से कॉल आ गई है, एमरजेंसी होगी, इसने अभी भी घर जाना है। तो अब ब्लॉग यहीं पर रह जाएगा आधा। अभी तो हमने वाक एंड का थोड़ा सा हिस्सा ही कवर किया था, अभी काफ़ी सारे ग्राउंड्स पड़े हैं दिखाने के लिए, तो अब हमें घर वापस जाना पड़ेगा। तो आधा ब्लॉग तो कवर कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह आधा ब्लॉग किसी और दिन कवर करेंगे। तो चलते हैं वापस घर। ये है जी हमारा वाह मेडिकल कॉलेज, महंगा तरीन कॉलेज मेडिकल का। पता नहीं कौन लोग हैं जो यहाँ दाखिला लेते हैं, मुझे तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं पसंद।
हाँ तो भाई लोग, मैं अभी भी घर आ चुका हूँ और यार बड़ा अफसोस हुआ मैं आपको पूरा वीकेंड का टूर नहीं करवा सका, क्योंकि साथ ही घर से कॉल आ गई थी उसकी मदर की, तो हम वापस घर आ गए। तो इंशाल्लाह अगले कुछ व्लॉग में मैं आपको लाजमी पूरे वीकेंड का टूर करवाऊँगा। तो अगर आप लोग फुल वीकेंड का टूर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर आप लोग बाकी का हिस्सा देखना चाहते हैं इस व्लॉग का, यानी कि ग्राउंड्स वगैरह इस वीकेंड के, तो तभी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लाजमी वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओवर एंड आउट। कबीर हो जाके छत से कपड़े लेके आ।